नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। बहुत दिनों से आपने टीना डाबी और अतहर आमिर की कोई खबर नहीं सुनी होगी। आइए हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो अभी अपडेट हुई है। आपको याद होगा जब टीना डाबी की शादी हो गई थी दूसरी, उसके बाद बहुत दिनों के बाद उनका एक वीडियो आया था जिसमें रिया डाबी डांस कर रही थी, तमाम लोग डांस कर रहे थे, उसमें चांद बाली ये गाना था। लेकिन उस गाने को कहा गया कि उसे रिया डाबी ने खुद गाया था और खुद उसे मंच पर लाया गया था। अब जब अतहर आमिर की शादी हो रही तो क्या उस गाने का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन उनकी होने वाली पत्नी जो उनकी प्रेमिका हैं, जिनसे उनकी सगाई हुई है, उन्होंने डॉक्टर महरीन खान ने भी एक वही गाने पर वीडियो बनाया है और 3 दिन पहले डाला है। उन्होंने उस वीडियो में वही गाने को फिल्माया भी है। हालांकि उसमें वो अकेले हैं, लेकिन जो टीना डाबी का वीडियो था उसमें उनके तमाम बहनें, उनके तमाम लोग सब डांस कर रहे थे और टीना डाबी ने भी उस पर डांस किया था। चांद बाली ये वाला ही गाना ऐसा क्या है जो दोनों तरफ से फिल्माया जा रहा है, सेम उसी ट्रैक पर जिस ट्रैक पर टीना डाबी ने किया था उनकी शादी के बाद हुआ था, और वैसा ही अब महरीन खान कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में शादी होने वाली, लेकिन उसके पहले तमाम वो सारी बातें हो रही हैं जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि आपको मैं तमाम उन बातों को बताऊंगा जो आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि टीना डाबी और अतहर आमिर की बड़ी संख्या में दर्शक हमारे पास हैं जो देखते हैं और उनके वीडियो को समझना आप चाहते हैं। तो इस तरह का कहा जा रहा है कि जैसे टीना डाबी ने अपनी शादी में किया था उसी तरीके से महरीन खान और अतहर आमिर भी तैयारी कर रहे हैं। क्या उसी ट्रैक पर जाने की तैयारी है या क्या कहा जा सकता है? क्योंकि इस खबर को लेकर के तमाम लोगों ने देखा और तमाम डिजिटल मीडियाज पर ये खबरें चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि चांद बाली ये जिस तरीके से डांस रिया डाबी और उनके लोगों ने किया था वैसे ही डांस कर रही हैं यहाँ पर महरीन खान, जो महरीन काजी जो अतहर आमिर खान के होने वाली पत्नी हैं, और वो शादी से पहले का चल रहा है। आपको याद होगा जब महरीन काजी का नाम आया था उस समय उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बहुत कम थे, लेकिन अब 4 लाख के आसपास हो गए हैं। तो एक जो माइलेज मिलता है बड़े लोगों के साथ जाने का, एक जो पॉपुलर लोग होते हैं उनका फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। तो जो इनका ये वीडियो आया है उसमें ये लगभग 3 दिन पहले का, उसमें तमाम हज़ारों लोगों ने लाइक किया है, सैकड़ों कमेंट आए हैं, कुछ लोगों ने लिखा है कि अतहर आमिर ने दूसरी बार भी बाजी मार ली है। तमाम जो अतहर आमिर के फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो यही चीज़ लिखते हैं कि अतहर आमिर ने पहली बार, दूसरी बार, हर बार उन्होंने बाजी मारी है, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने बेहतर किया है। लेकिन वही जब टीना डाबी की शादी हो रही तो लोगों ने तमाम कमेंट किए थे कि टीना डाबी ने अच्छा पति नहीं खोजा, ये सब तमाम बातें हैं। अतहर आमिर के चाहने वालों के लिए खबर यही है कि टीना डाबी की शादी के बाद जिस गाना फिल्माया गया था, जो गाना बाद में बाहर आया था, उसी गाने पर महरीन काजी भी ट्रैक पर डांस कर रही हैं और उन्होंने वीडियो को दिखाया है, उनके इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ, वहीं से लिया हुआ मैं आपको वीडियो दिखा रहा था। और दरअसल इस कनेक्शन की वजह क्या, अब आप सोचेंगे कि इनकी पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन चूंकि ये पॉपुलरिटी है, ये लोग हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। दरअसल इस दोनों गाने का जो कनेक्शन इसलिए देखा जा रहा क्योंकि अतहर आमिर और टीना डाबी के संबंधों को लेकर के लोग जानते हैं, उसके बाद जब दोनों शादी से अलग हुए उसको भी लोग जानते हैं, और अब अलग अलग है उसको भी लोग जानते हैं। लेकिन इस गाने का मतलब बस इतना ही है कि क्या उसी ट्रैक पर फिर ये बातें जा रही हैं जिस ट्रैक पर लोग जानना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से उनकी शादी के बाद उस गाने पर फिल्माया गया, सेम वही गाना यहाँ पर गाया जा रहा है और इसमें खुद डॉक्टर महरीन काजी थिरकती हुई नज़र आ रही हैं, हालांकि इसमें अतहर आमिर नहीं है। तो इस वीडियो को बताने का बस इतना ही मकसद था कि आप देखते रहिए, अतहर आमिर की शादी तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी टीना डाबी की कोई खबर हुई अपडेट होगी उसको भी दिखाएंगे, लेकिन देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।